हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं एक यूट्यूबर हूँ, यूट्यूबर तो नहीं हूँ गाइस, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है। और मैंने भी बीच में भी चैनल अपना बनाया था, वो 1 ईयर्स या 2 ईयर्स पहले मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था। उस पर मैंने फिटनेस की वीडियो डालना स्टार्ट की थी, पर हल्का हल्का करके मैं डालता रहा, वीडियो बनाता रहा। एक तो मेरे दोस्त भी थे, उन्होंने मेरा साथ थोड़ा साथ दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि व्यूज़ भी अच्छे आ रहे थे, सब बढ़िया चल रहा था, पर फिर वो मैं अकेला हो गया। वो ऐसा होता है अक्सर, लोगों को अपने काम पड़ जाता है और अपने काम में लग जाते हैं। तो उसके बाद गाइस फिर मैंने चैनल अपना बंद कर दिया। अब मैंने फिर दोबारा स्टार्ट किया है, और दोबारा मैंने गलतियाँ की। ये गलती कि किसी की वीडियो उठा के डाल दी, अपनी रिएक्शन वीडियो डाल दी उठा के, या उल्टी सीधी वीडियो उठा के डाल दी, अपने चैनल पर डाल दी। और उस पर ऐसा नहीं है, व्यूज़ लगातार आ रहे हैं, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं गाइस, पर मज़ा नहीं आ रहा। मतलब खुद को फील नहीं हो रहा कि भाई मज़ा नहीं आ रहा है। और गाइस मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ये गलती ना करें। मैंने बहुत गलती की है अपने ये 1-2 महीने में, मैंने बहुत गलती की है, मुझे पछतावा हो रहा है अब। तो आप ये गलती ना करें कोई भी, और कोशिश ये करें कि आप अपनी कैटेगरी चुनें। कैटेगरी चुनने के बाद उसी पर काम करें, कि तभी आपका चैनल ग्रो करेगा और अभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा। आप सोच रहे हैं कि मैं कोई भी वीडियो उठा के डाल दूँ, तो ऐसा नहीं होता है। तो गाइस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मैंने जो गलतियाँ की हैं, आप वो गलती ना करें। बार बार वही गलती करेंगे तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, आपको मज़ा नहीं आएगा। कोशिश ये करें कि अपने चैनल को जो कैटेगरी आप जो आपको पसंद है, वो ब्लॉग बनाएं या बहुत सारे गेम हैं वो चुनें।